गाइस OB44 अपडेट के बाद ओरियन कैरेक्टर के ऊपर बहुत ही खतरनाक एक अपडेट आने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारे अपडेट एंड चेंजेस के बारे में बताने वाला हूं, साथ में और कौन कौन से कैरेक्टर के एबिलिटी को यहां पे चेंज किया गया तो उनका भी मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखाऊंगा। और गाइस अपडेट के बाद एक नया सा वार्निंग आएगा जिसका नाम होगा AFK वार्निंग। तो इस वार्निंग से आप लोग के गेम प्ले में कैसा इफेक्ट पड़ेगा, कब आएगा और कितने देर तक रहेगा तो उसके बारे में आप लोग को डिटेल्स में बताऊंगा। तो OB44 अपडेट के रिगार्डिंग आप लोग के सारे चेंजेस एंड न्यूज के बारे में पता चलेगा। So, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ पे बात करते हैं न्यू AFK वार्निंग के बारे में। तो सबसे पहले गाइस आप लोग यहाँ पे मेरे पास दो डिवाइस देख पा रहे, एक डिवाइस 1 और दूसरा है डिवाइस 2। एंड दोनों डिवाइस से गाइस मैंने यहाँ पे कस्टम मैच स्टार्ट कर दिया है। एंड गाइस यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं कोई भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, स्टिल वहीं पे खड़ा हूँ। और कुछ भी मूवमेंट ना करने की वजह से गाइस सबसे पहले यहाँ पे एक वार्निंग आया है जिसका नाम है AFK वार्निंग। और ये वार्निंग आने के बाद गाइस यहाँ पे पूरा का पूरा जो स्क्रीन है कुछ स्टेप का ब्लैक हो जाएगा। देन यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लिखा रहेगा AFK एंड आपका जो कैरेक्टर है कुछ देर बाद बाद यहाँ पे टेलीपोर्ट होता रहेगा। तो देखो गाइस यहाँ पे जो कैरेक्टर है इसीलिए मूव कर रहे क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है वो बॉट बन गया है। लेकिन भाई बॉट तो तभी बनता है जब हम लोग गेम से निकल जाता है या मिनिमाइज कर देते हैं। लेकिन गाइस अभी OB44 अपडेट के बाद अगर आप लोग कोई भी मैच स्टार्ट कर देते हो एंड लगभग 30 सेकंड तक स्क्रीन में कोई भी टच नहीं करते हो तो भाई आपका जो कैरेक्टर है ऐसे बॉट बन जाएगा एंड आपके स्क्रीन में ऐसे AFK लिखा रहेगा और स्क्रीन कुछ इस टाइप का भाई ब्लैक रहेगा। तो अभी बात आता है कि ये जो AFK वार्निंग है इससे कैसे बचे। तो भाई देखो अगर आप लोग इससे बचना चाहते हो सिंपल सी बात है, स्क्रीन में कहीं भी आप लोग टच कर दो, अगर किसी भी जगह पे टच करोगे तो भाई आपका ये AFK वार्निंग हट जाएगा एंड आप लोग वापस से गेम प्ले कर पाओगे और आपका कैरेक्टर जो बॉट बना था वो बॉट से रिमूव हो जाएगा। सिंपल सी बात है गाइस AFK वार्निंग आने के बाद अगर आप लोग किसी भी जगह पे टच करोगे तो फिर से आप लोग नॉर्मली गेम प्ले कर पाओगे। लेकिन गाइस जो वार्निंग आता है इससे एक दिक्कत हो सकता है, मान लो यहाँ पे आप लोग VR रैंक मैच खेल रहे हो और उसी टाइम को आप लोग को इमरजेंसी नेचर कॉल आ गया तो आप लोग यहाँ पे कैरेक्टर को साइड में रखे तो भाई नेचर कॉल का कंप्लीट करने तो जाओगे और जाने के बाद यहाँ पे अगर 30 सेकंड तक स्क्रीन में कोई भी टच नहीं होता है तो फिर भाई यहाँ पे AFK वार्निंग आ जाएगा। देन गाइस यहाँ पे कुछ ही देर में स्क्रीन पूरा ब्लैक हो जाएगा और फिर क्या होगा, यहाँ पे स्क्रीन ब्लैक होने के बाद आपका जो कैरेक्टर है आपसे बहुत ज्यादा प्रो बॉट बन जाएगा। उसके बाद भाई वो अपने मर्जी से इधर उधर जाएगा एंड आस पास कोई इनमी रहेगा तो भाई उसको भाई पूरा मजा चखा देगा। और सोच रहे हो ग्लोबल पैक करके जाओगे तो भाई ग्लोबल तोड़ के भी ये खुद ब खुद निकल जाएगा। तो मेरे तरफ से भाई ये एक तरफ का एक झंझट है, मतलब बहुत ही मुसीबत होने वाला है ये AFK वार्निंग। और ज्यादातर यहाँ पे AFK वार्निंग आने के वजह से बाई चांस आप लोग का ओनर स्कोर भी कम हो सकता है। तो OB44 अपडेट के बाद गाइस नया सा फीचर आने वाला है, 30 सेकंड तक अगर स्क्रीन को टच नहीं करोगे तो आपका प्लेयर बॉट बन जाएगा और ये वार्निंग आने वाला है। और जब स्क्रीन में ये AFK वार्निंग आएगा तब आप लोग को कैरेक्टर कुछ इस टाइप का दिखेगा कि सामने की तरफ ये टेलीपोर्ट होता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, आपका कैरेक्टर बॉट बन के सामने की तरफ चलता जा रहा है, जो ओपोनेंट को दिखेगा कि ये बॉट बन गया है। तो देखो गाइस ये चीज कैसे काम करते सब कुछ मैंने आप लोगों को क्लियरली समझा दिया है। तो आप लोग 30 सेकंड के अंदर कभी ना कभी स्क्रीन में टच करने नहीं तो ये AFK वार्निंग आता रहेगा। और मैंने आप लोगों को इतना क्लियर करके ये कॉन्सेप्ट समझा दिया, इसके लिए बहुत ही मेहनत लगा। तो इस मेहनत के लिए भाई प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अभी बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो होगा ओरियन कैरेक्टर को लेकर। तो अभी रिसेंट टाइम मतलब OB43 अपडेट तक आप लोग ओरियन कैरेक्टर को बस एक ही बार यूज कर सकते हो, लेकिन OB44 अपडेट के बाद आप लोग 300 EP के अंदर ओरियन कैरेक्टर को दो बार यूज कर सकते हो। तो जी हाँ भाई यहाँ पे देख पर मैंने एक बार यूज कर लिया एंड वापस यहाँ पे यूज करने का ऑप्शन दे रहा है। सो फाइनली यहाँ पे OB44 अपडेट के बाद आप लोग ओरियन कैरेक्टर को दो बार यूज कर पाओगे एंड हर बार ये 25 करके SP को खींचने वाला है। और गाइस इनमें जब यहाँ पे ओरियन बनेगा तो आपके SP खींचेगा 25 एक बार में और दूसरे बार यूज करेगा तो वापस 25 खींचेगा, मतलब दो बार में 50 SP खींचने वाला है। लेकिन रुको रुको खुश होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जब सामने वाला इनमें ओरियन बनेगा तो उसका जो गोला है भाई आप लोग अभी उसको फायर करके तोड़ सकते हो। तो जी हाँ गाइस अपडेट के बाद आप लोग किसी भी गन से ओरियन के जो लाल कलर का बॉल है इसको आप लोग डैमेज देके तोड़ सकते हो। अभी के टाइम तो आप लोग तोड़ नहीं पाते हो लेकिन भाई अपडेट आने के बाद आप लोग ओरियन को डैमेज देके उसका एबिलिटी को ब्रोक कर सकते हो, मतलब तोड़ सकते हो। और एक मजे की बात बोलो, जो लोग भी यहाँ पे ओरियन बनेगा आप लोग USP से अगर उसको 5 बुलेट मारोगे ना तो उतने में उसका गोला टूट जाएगा। तो अपडेट के बाद अभी ओरियन कैरेक्टर में ये सब चेंजेस करने वाला है, मतलब 25 करके SP खींचेगा और यहाँ पे गोला को आप लोग फायर करके तोड़ भी सकते हो और इसका मूवमेंट स्पीड जो माइनस था उसको सही कर दिया गया है। और अभी गाइस आप लोग इतना कमेंट करके बताना ओरियन कैरेक्टर का ये जो एबिलिटी चेंज है गाइस आप लोगों को कैसा लगा, मुझे तो भाई बहुत ही खतरनाक लगा एंड भाई जो लोग ओरियन लेके खेलते हैं उन लोग के लिए अभी बहुत दुख शुरू होने वाला है। और गाइस अपडेट के बाद यहाँ पे टाटसुआ कैरेक्टर के एबिलिटी में थोड़ा सा चेंजेस किया जाएगा। अभी रिसेंट टाइम पे टाटसुआ का एबिलिटी जैसा आप लोग देख पा रहे यहाँ पे कूलडाउन 45 सेकंड तक है, लेकिन गाइस OB44 अपडेट के बाद टाटसुआ कैरेक्टर का एबिलिटी सेम रहेगा बट इसका जो
कूलडाउन है इसको बढ़ा दिया गया है 45 सेकंड से यहाँ पे 60 सेकंड कर दिया गया है। मतलब एक बार टट्सुआ यूज करने के बाद आप लोग एक मिनट के बाद वापस टट्सुआ की एबिलिटी को यूज कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे शांतिनो कैरेक्टर के यहाँ पे कूलडाउन पे भी चेंजेस किया गया है। फिलहाल तो ओबी 43 अपडेट में शांतिनो कैरेक्टर का कूलडाउन है 75 सेकंड, लेकिन अपडेट के बाद यहाँ पे 75 सेकंड से 60 सेकंड कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे इसका जो कूलडाउन है इसको कम कर दिया गया है। तो ओबी 44 अपडेट के बाद गाइस इन तीन कैरेक्टर के ऊपर चेंजेस आने वाला है। आप लोग के तीन कैरेक्टर का चेंजेस कैसा लगेगा कॉमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी बढ़ते हैं हमारे अगले चेंजेस की तरफ। एंड गाइस अभी के टाइम अगर आप लोग कैरेक्टर रिकमेंडेशन में जाओगे तो आप लोग को बैलेंस कैरेक्टर के तक आप लोग को यहाँ पे सारे रिकमेंडेशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ओबी 44 अपडेट आने के बाद आप लोग को रिकमेंडेशन सेक्शन में यहाँ पे कुछ और भी चार स्किल रिकमेंडेशन मिल जाएगा। तो जी हाँ भाई, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो बैलेंस रिकमेंडेशन के नीचे यहाँ पे देख पा रहे हो MGS बीपोस ऐसा कुछ नाम का अजीबो टाइप का नाम यहाँ पे रिकमेंडेशन का नाम दिया गया है। तो आप लोग ओबी 44 अपडेट के बाद गाइस इन सब रिकमेंडेशन को लेकर मतलब इनको इक्विप करके यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हो और आपके गेम प्ले को इम्प्रूव कर सकते हो कैरेक्टर के बदौलत। और साथ में गाइस यहाँ पे क्लास स्क्वाड वाले सेक्शन में भी सेम यहाँ पे रिकमेंडेशन रखा गया, लेकिन यहाँ पे एबिलिटी में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है। तो अगर आप लोग को गेम प्ले करने में कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लेकर बहुत ही दिक्कत होता है तो ओबी 44 अपडेट के बाद गाइस ये सब रिकमेंडेशन कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन को ट्राई करना, तो आप लोग का गेम प्ले बहुत इंप्रूव हो जाएगा। एंड गाइस ओबी 44 अपडेट के बाद यहाँ पे लॉड आउट सिस्टम में भी और एक चेंजेस आने वाला है। तो यहाँ पे रिसेंट टाइम पे अगर आप लोग लॉड आउट पे क्लिक करो तो आप लोग को कॉम्बैट रेट और लॉड आउट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। मतलब ये जो कॉम्बैट रेट है बस और 36 दिन तक रहेगा। तो 36 दिन मतलब 36 डेज के बाद यहाँ पे जो लॉड आउट है यहाँ पे पूरा चेंज हो जाएगा, पुराना वाला लॉड आउट सिस्टम को यहाँ पे एड कर दिया जाएगा। तो फिलहाल गाइस ओबी 44 अपडेट के रिगार्डिंग मुझे यही सब कुछ चेंजेस के बारे में पता चला है। और भी कुछ चेंजेस के बारे में जानना चाहते तो ऊपर आई बटन में क्लिक करो, आप लोग को और भी चेंजेस के बारे में पता चलेगा। और अभी गाइस मैं आप लोग को इस बार के अपडेट में आने वाले कुछ बैनर अफ्तर और कुछ यहाँ पे इवेंट के टोकन बॉक्सेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए वो सब दिखा देता हूँ। तो गाइस इस बार के ओबी 44 अपडेट के अंदर गाइस आप लोग के सारे बैनर्स एंड अफ्तर देखने को मिलेगा। कुछ आप लोग को फ्री में दिया जाएगा और कुछ यहाँ पे इवेंट में आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अफ्तर देख पा रहे हमारा न्यू कैरेक्टर के स्पेशल बनाया गया है, इसका नाम है डुअल गार्डियन अफ्तर। और गाइस हमारे काइरोस कैरेक्टर के थीम पे यहाँ पे और एक अफ्तर देख पा रहे हो जो देखने में बहुत ही ओपी सा लग रहा है। साथ में गाइस यहाँ पे एनिमे या एनएम थीम पे एक अफ्तर देख पा रहे हो जिसका नाम है स्टाइल एकेडमी अफ्तर, जो देखने में थोड़ा इस टाइप का है। और यहाँ पे कुछ और भी अफ्तर देखने के लिए मिलेगा, इसका नाम है साइलेंट गॉड अफ्तर, मतलब जो बकरी होता है उसी थीम पे बनाया गया है। एंड यहाँ पे और एक अफ्तर देख पा रहे हो जिसका नाम है साइलेंट मूल अफ्तर। एनिमल थीम में कुछ यहाँ पे अफ्तर बनाया गया, जैसे की और एक अफ्तर जिसका नाम है साइलेंट कैमल अफ्तर, तो कैमल थीम पे बनाया गया है। और एक अफ्तर देख पा रहे हो एनिमे थीम का, इसका नाम है ट्रेंड एकेडमी अफ्तर, जो एनिमे की तरह देखने में लग रहा है, ये मेल फीमेल का। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो सीएस सीजन 25 स्पेशल हीरोइक का अफ्तर, जो देखने में बहुत ही नॉर्मल सा है। एंड मास्टर का भी यहाँ पे देख पा रहे हो, तो इस बार के बैनर्स एंड अफ्तर बहुत ही सिंपल सा होगा। और गाइस यहाँ पे बीआर रैंक स्पेशल आप लोग को यहाँ पे सीजन 39 स्पेशल ये सब अफ्तर मिलेगा, तो ये भी नॉर्मल सा है। एंड मास्टर का अफ्तर देखने में कुछ स्टेप का होगा। एंड यहाँ पे गाइस कुछ बैनर देख पा रहे हो और ये बैनर का नाम होने वाला डुअल गार्डियन बैनर, थोड़ा पर्पल कलर का बना गया, बहुत ही नॉर्मल सा है। इसके बाद और एक बैनर देख पा रहे हो, इसका नाम ब्लेड ऑफ द साइलेंस बैनर, बहुत ही नॉर्मल सा है बट अजीब लग रहा है। एंड सीएस सीजन 25 स्पेशल जो बैनर होता है हीरोइक का, वो देखने में कुछ स्टेप का होगा। एंड मास्टर का बैनर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, बहुत ही सिंपल सा है। और यहाँ पे आप लोग बीआर का भी बैनर देख पा रहे हो, बीआर सीजन 39 स्पेशल, जो भाई यहाँ पे पिक्सेल टाइप पे बनाया जाएगा, जो हमारा पिक्सेल बुआ पास आने वाले उसी के थीम पे यहाँ पे हीरोइक और मास्टर का बैनर बनाया गया है। तो ये सब कुछ बैनर सन अफ्तर इस वाले अपडेट में डिजाइन किया गया, बाकी और भी बैनर अफ्तर है जो अपडेट आने के बाद मैं आप लोग को 17 अप्रैल को रिव्यू करके दिखा दूंगा। और यहाँ पे गाइस आप लोग कुछ इवेंट के रिगार्डिंग टोकन वगैरह देख पा रहे हो, सबसे पहला टोकन है पैराडॉक्स थीम पे। तो जी भाई, आप लोग किस टोकन से पैराडॉक्स थीम पे कोई भी आइटम को क्लेम कर पाओगे। साथ में यहाँ पे आईकेल नाम का एक टोकन है, मतलब आईसीआई टोकन नाम है। और इसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक नाम का भी टोकन रखा गया है। एंड ये सब टोकन के जरिए आप लोग कुछ रिवॉर्ड को क्लेम कर पाओगे। साथ में यहाँ पे जीन्स नाम का यहाँ पे एक टोकन है, जहाँ पे डीएनए टाइप का है। और गाइस यहाँ पे जो दूसरा टोकन देख पा रहे हो, इसका नाम है कैलिस क्रिएशन। तो यहाँ पे कैली थीम पे कुछ न्यू इवेंट आने वाला है, तो उस इवेंट में इस टोकन का इस्तेमाल करके आप लोग कुछ ले पाओगे। साथ में कैंडी टोकन रखा जाएगा इस अपडेट में। और इस पर अपडेट के बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे रेयर आइटम रिटर्न आएगा, तो उस इवेंट में आप लोग लग्जरी टोकन को यूज कर पाओगे। साथ में 20 टोकन देख पा रहे हो, समर इवेंट स्पेशल डिजाइन किया गया है। और इसके बाद भाई आप लोग यहाँ पे एक टोकन देख पा रहे हो, इसका नाम है विंग्स टोकन। तो जो पैराडॉक्स बंडल आने वाले उसको एक्सचेंज करने के लिए आप लोग इस टोकन का इस्तेमाल कर पाओगे, नहीं तो पैराडॉक्स कटाना को ले पाओगे। साथ में यहाँ पे कुछ वेपन टोकन है, तो इन सब टोकन से आप लोग कोई ना कोई आइटम को एक्सचेंज कर पाओगे, मतलब कोई रेयर इवेंट ही आने वाला है। साथ में यहाँ पे और एक रेड टोकन देख पा रहे हो, इसका नाम एलाइट फैशन टोकन। तो इस टोकन से बहुत ही खास इवेंट आएगा, अभी क्या इवेंट आएगा वो तो अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा। साथ में कैसे आप समर इवेंट स्पेशल यहाँ पे वाटर फेस टोकन देख पा रहे हो, मतलब वाटर थीम पे यहाँ पे बहुत ही कमाल का इवेंट आएगा। और यहाँ पे ड्रैगन ट्रेजर नाम का एक क्रेट को भी
डिजाइन किया गया जो पैराडॉक्स इवेंट का मेन ग्रैंड प्राइज का यहाँ पे क्रेट होगा, साथ में और भी कुछ क्रेट को डिजाइन किया गया है। अभी तक तो इनमें रिवॉर्ड ऐड नहीं हुआ, कुछ दिनों के बाद ऐड हो जाएगा। तो फिलहाल एडवांस सर्वर के फाइल के अंदर से गाइस मुझे इतना ही कुछ लीक एंड अपडेट मिला है, और भी बहुत सारे लीक एंड अपडेट मिलना बाकी है जो भाई मैं आप लोग को आने वाले 17 अप्रैल के अंदर सब कुछ डिटेल्स में बता दूंगा। तो वो सब अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना एंड नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास वीडियो चला जाए। तो कुल मिला के गाइस यही था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को लंबा ना करके भी खत्म करते हैं, तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।